बोल चुके अमेरिका ने, वो भगवान मेरे बाबा ले लो वापस। बहुत अच्छे, मेरी बहुत मदद करी है, बहुत जनता को बहुत देखे, वो अच्छे रखे। शिवराज सिंह तो हमेशा आपकी मदद करेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे। आप रो मत। किसे देख के दिया था? मैंने शिवराज सिंह को देख के ही था। मामा अच्छा काम कर रहा है, पैसा भी दे रहा 1200 रुपया। अब लग रहा है कि ऐसा बंद हो जाएगी योजना? बंद तो खैर नहीं होगी, मानो मेरे मामा ही अच्छे है वो। हाँ, शिवराज सिंह मामा अच्छे है वो। तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, ये अच्छे नहीं होंगे क्या? हमें नहीं देखो, हमें तो 18 साल से उनको ही देख रहे हैं हम तो। यह करिश्मा नहीं, यह किसी नेता के प्रति मोहब्बत का सैलाब है। मध्य प्रदेश की महिलाओं से आज भी पूछो तो बस वो एक ही नाम लेती है, जिसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। हमें लगता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह को लोकसभा से पहले मोदी तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर ईवीएम मशीन जिंदाबाद है। अगर इनको लोकसभा चुनाव से पहले मोदी और शायद तवज्जो देने लगे तो मानकर चलना चाहिए कि फिर इन नेताओं की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कद्र है। इस महिला ने रो रो कर यह जता दिया कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन आज भी महिलाएं शिवराज सिंह चौहान को पसंद करती हैं। उनका भैया ही शिवराज सिंह चौहान है। इसकी लोकप्रियता को आप कहां ले जाओ? आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश में और देश में लोकसभा के चुनाव, ऐसे में एक लोकप्रिय नेता को हाशिए पर रखकर आप कम से कम मध्य प्रदेश तो फतह नहीं कर सकते। यह जनता भी जानती है और विरोधी दल भी जानते हैं। अब भगवान जाने मोदी और शाह के मन में क्या है, यह तो आने वाले वक्त में पता चले। लेकिन अगर कुछ नेता बिगड़ गए, जिनमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, अगर यह तीनों नेता एक हो गए तो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर मध्य प्रदेश।